बुधवार के दिन सीआईएसएफ यूनिट आईओसी ने इकाई क्वार्टर गार्ड और रिफाइनरी स्टेडियम मथुरा रिफाइनरी नगर में सुबह भव्य परेड का प्रदर्शन कर 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख आशीष कुमार माइती ने की। वहीं इकाई प्रभारी उप कमांडेंट अभिषेक कुमार साहू की अगुवाई में देश रक्षा के कर्तव्यों के साथ साथ सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कीठम स्थित सूरदास नेत्रहीन विद्यालय के दिव्यांग बच्चों को मिठाइयां वितरित कर 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इकाई प्रभारी अभिषेक कुमार साहू उप कमांडेंट द्वारा प्रतिवर्ष कीठम स्थित सूरदास नेत्रहीन विद्यालय में दिव्यांग बच्चों को मिठाइयां वितरित कर गणतंत्र दिवस मनाने की इस अनूठी मुहिम ने लोगों के दिलों में सीआईएसएफ जवानों के प्रति राष्ट्रीय प्रेम की भावना के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को भी जागृत किया है। इस मौके पर इकाई प्रभारी अभिषेक कुमार साहू, उप कमांडेंट हरिंद्र कुमार सहायक कमांडेंट, निरीक्षक शैलेंद्र सिंह बिष्ट, महिला निरीक्षक मानक निरीक्षक गिरीश कुमार सहित अन्य बल सदस्य मुख्य रूप से मौजूद रहे। मथुरा रिफाइनरी नगर से वॉइस वन एशिया न्यूज के लिए दिनेश सिंह तरकर की खास रिपोर्ट। सर्वप्रथम मेरी और मेरी इकाई सीएसएफ आईओसी मथुरा रिफाइनरी की तरफ से सभी मथुरा वासियों को, हमारे रिफाइनरी के आसपास रह रहे सभी गांव के मन सदस्यों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। इस कार्यक्रम में हर वर्ष की तरह इकाई में एक भव्य परेड का आयोजन किया गया। चूँकि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस थे तो उसको काफ़ी प्रोग्राम को लिमिटेड रखा गया है और परेड की सलामी जो है और राष्ट्रीय का झंडा का जो अनफॉलिंग है वो हमारे ईडी रिस्पेक्टेड श्री आशीष कुमार मैती द्वारा जी किया गया। और इसके अलावा इकाई में हमने अपने ध्वजारोहण किया है। इसके अतिरिक्त हमने हर वर्ष की तरह कीथम स्थित सूर विद्यालय में वहाँ बच्चों को जाकर के मिठाई वितरित की है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम यूनिफॉर्म वालों के लिए साल में दो ही त्यौहार होते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी, और हमारे लिए बहुत ही हर्ष का दिन होता है और हम इसमें मिठाइयाँ बांट कर अपने जवानों में और आसपास के लोगों में अपनी खुशी का इजहार करते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में हमने पूरे साथ जवानों के साथ मिलकर के भोजन किया है, सभी सामूहिक भोजन किया है और सभी से देश सेवा में जो हमारे जवान तत्पर हैं, सेवाएं दे रहे हैं, उसे आगे कंटिन्यू करते हुए अपने बेस्ट दें जिससे कि हम इस संयंत्र को और देश को जहाँ जहाँ हमारे कर्तव्य तैनात किया जाता है सुरक्षित रह सकें और लोगों में सुरक्षा का एक वातावरण दे सकें।